तो आज हम लोग देख रहे हैं बोटेन स्ट्रीम का क्वेश्चन नंबर, ये शायद कल हम लोगों ने देखा था, 28। अ मोटर जी बोट सर, कैन ट्रेवल एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक्स, और एक्स कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, यही है। और डिस्टेंस है 91, एंड एक जा रहा है और रिटर्न हो रहा है, और टोटल टेकिंग ऑल टुगेदर 20 आवर्स। तो फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कल देखा था क्या, कि T1 + T2 गिवन है कितना, 20 आवर्स, और T1 को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो एक बार होता 10 + y और एक बार होता 10 बाय सॉरी ये D/10 - y, और यहाँ पे D गिवन है, D गिवन है कितना, तो D है 91। तो 91 ठीक बाई 10 + y प्लस 91 बाई 10 - y, और ये था हमारा 20 आवर्स। मैंने क्या बताया था कि ऐसे जब भी इक्वेशन आए तो आप सॉल्व मत करो, ऑप्शन वाला तो एग्जाम होता ही है, एमसीक्यू होता ही है, तो ऑप्शन से देख लो वाई का कौन सा वैल्यू रखे कि इसको सेटिस्फाई करे। तो वाई 3 किलोमीटर पर आवर रखते हैं तो ये सेटिस्फाइड हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा था। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने को मिला था क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? नहीं सर, कितने लोगों से सॉल्व हो गया नहीं है? हुआ है नो सर। सर, आयुषी राय, आज हमें आवाज जा रही है सर, आ रही है, बोलो। आ रही है ना सर, मैंने भी सॉल्व नहीं किया। कितना आया, 5/1? नहीं सर, ओके, सुरभि, सुरभि यस ज्वाइन। अरे सर। तू हमेशा लेट क्यों आती है, मैं लेट कहा हूँ, वो तो बाय पहले आ जा। नेटवर्क इशू हो गया। ओ सौम्या, क्या सॉल्व इनिशियल नहीं टेक। किया? तो कह रहा है मैन कैन रो 3/4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अच्छा, 3/4 क्या होता है, ऑफ अ किलोमीटर। 3/4 मीन्स होता है 3/4, ऑफ अ किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर का 3/4 लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर का 3/4, दैट इज 3/4 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जा रहा है इसको 11 मिनट, डिस्टेंस तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब देखो एक टाइम दिया हुआ है, धारा के विपरीत। तो T1 गिवन है कितना, 11 मिनट 15 सेकेंड। अच्छा ये 3/4, चाहे तो इसको into 1000 मीटर कर लो, तो ये आ गया 750 मीटर, और ये 11 मिनट और साथ साथ क्या है, 15 सेकेंड। तो 11 मिनट को लिख सकते हैं 11 into 60 प्लस 15 सेकेंड, और ये सब हमारा हो गया सेकेंड में 675 सेकेंड। और T2 क्या हो जाएगा, रिटर्न हो रहा है 7 मिनट 30 सेकेंड, 7 मिनट 30 सेकेंड। तो 7 मिनट को भी सेकेंड में बदल ले, 7 into 60 + 30 यानी 450, 450 सेकेंड। अब बताओ डिस्टेंस मालूम है, टाइम भी दोनों मालूम है, अप वाला टाइम भी मालूम है और डाउन वाला टाइम भी मालूम है। तो जब अप वाला भी मालूम है और डाउन वाला भी मालूम है, तो अप में स्पीड निकलेगा कि नहीं, सोच के बोलो।
डिस्टेंस मालूम और अप का टाइम मालूम है, तो स्पीड निकलेगा, और डाउन का ऐसे। तो हम लोग एक्स प्लस वाई चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, 675, सॉरी ये 750 है ना डिस्टेंस, 750 डिवाइडेड बाई, और T2, T2 है डाउन में, देखो डाउन में 7 मिनट 30 सेकंड वापस आता है, तो डिवाइडेड बाई 450। लेकिन ये था मीटर और ये था सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो आप चाहो तो 18/5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 15 या 45, 5 5 कट गया, 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही आप चाहो तो एक्स माइनस वाई फाइंड कर सकते हो, क्या होगा, तो 750 तो है ही, डिस्टेंस तो वही है क्योंकि जाता है और वापस आता है, 3/4 यानी 3/4, तो 3/4 कितने का, 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर था, 1000 मीटर होता है, तो उसका 3/4 यानी 750, तो जाता भी है वापस भी आता है, तो ये है 675, ये था मीटर, ये है सेकेंड, और इसको भी आप 18/5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर। अब बोलिए किसी को डाउट है यहां तक में, नेहा यस सर। यहां तक में कोई डाउट है? एक बार फिर से देख रही हूँ दिख रहा है सर। यस सर। एक बार में एक बोलिए। चलो अब जिसको पूछना है क्या पूछ रहा हो ये बोलो। हिंदी का क्वेश्चन ना सर अलग है, कोर्स का पास किया है। निक्की बोल रही है क्या, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? सर बोल रहे हैं कि हिंदी में क्वेश्चन अलग दिया हुआ है सर। अच्छा, धारा के विपरीत 11 मिनट 15 सेकेंड, 1 किलोमीटर का, यहाँ अलग नहीं दिया हुआ है, यह मिस छूटा हुआ है, 3/4 भाग। यस सर, इसीलिए नहीं सर नहीं बना पाए थे क्योंकि डिफरेंट था। तो थोड़ा इंग्लिश भी तो पढ़ लेना चाहिए ना, हाँ? बाइलिंगुअल क्यों देता हूं आपसे, दोनों पढ़ लेना ठीक है, और ऐसा नहीं कि तुम लोग का इंग्लिश ओके सर। इतना खराब है या हिंदी इतना खराब है, ना आपका हिंदी खराब है ना आप लोगों का इंग्लिश खराब है, उतना तो समझ ही सकते हो। यस सर। अश्विनी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? 29, नो तो अब तो देख के लग रहा है एक्स क्या होगा, दोनों का सम बाई टू, 6 4 10/2 5, वाई क्या होगा, दोनों का डिफरेंस बाई टू, 6 4 2/2 1, 5 और 1, ऑप्शन बी। सर, ऑप्शन बी होगा सर। क्लियर है समीर? यस सर। यस सर। क्लियर है या फिर बताएं? नहीं सर, क्लियर है सर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो अगला क्वेश्चन 30। एक मोटर बोट को 12 किलोमीटर नदी की दिशा में जाने और वापस आने में कुल 5/2 घंटा लगता है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो सांझ जल में मोटर बोट की चाल, तो जाने और आने में टोटल टाइम गिवन है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, T1 + T2 कितना है जी, 12, सॉरी 5/2, 5/2 घंटे लगते हैं, और 12 किलोमीटर तो डी है, तो 12/2 और धारा का चाल है, तो x+2 और +12/(x-2) और ये है 5/2। किलोमीटर मैंने बताया ऐसा जब भी आएगा आप ऑप्शन से x का मान लेंगे, x का मान कौन सा लें, सर 10 सर। 10, 10 दो 12 12, 1 आ गया, 10 में से 2 कट गया, 8 आ गया, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। देखो वेदम वो थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, 8 10+2 12, 12 से 12 कैंसिल, 1 आ गया, और 12/10 में से 2 ले सकते हैं 8,
तीन बट्टा दो, तीन बट्टा दो मतलब डेढ़ होता है, 1.5 होता है। तो थोड़ा दो तीन चीज को आप ये ध्यान देना, तीन बटा दो क्या होता है, 5/2 क्या होता है, 7/2 क्या होता है, 3/2 मतलब क्या, 1.5 ये मतलब क्या, 2.5। मैं जानता हूँ कि आपको पता है लेकिन ये माइंड में रहना चाहिए, ये मीन्स व्हाट, 3.5। तो इससे कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाता है, फास्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31। अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, रिवर इज रनिंग एट वन, इट टेक्स 2 आवर्स मोर इन अप स्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, हाउ फार इज द प्लेस। 24 किलोमीटर, कितना 24 किलोमीटर सर, डिफरेंस ऑफ टाइम है ना, T1 माइनस T2 कितना है, एक दो घंटे अधिक ना, और T को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस नहीं मालूम, लेट दिस बी T, 5 माइनस 1 ये माइनस dy, 5 प्लस 1 और इज इक्वल टू 2, दैट इज dy 4 माइनस dy 6 इज इक्वल टू 2। तो D का वैल्यू 24 आ रहा है क्या, अगर ये 24 ले, सोचो अगर 24 ले तो 4 से 6 बार में, 6 से 4 बार में 6 माइनस 4 2, तो देखो कि हम लोग कितने अच्छे से इक्वेशन को जब भी ऐसा आने लगे ऑप्शन से वैल्यू डाल दो और क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 32। अ बोट टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एम टू एन डाउन स्ट्रीम एंड बैक फ्रॉम एन टू एम अप स्ट्रीम, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर, तो वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस। सही नहीं बन सकता सर, ये सर ये नहीं होगा डिफाइन, तो ये डेटा इनएडिक्वेट है, इसमें एक चीज तो और चाहिए ना, यानी यहाँ पे डी वाई क्या गिवन है, स्टिल वाटर है 4 माइनस वाई प्लस डी वाई 4 प्लस वाई इज इक्वल टू है टोटल 3 आवर्स। तो यहाँ दो वेरिएबल आ गया, इसके आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तो डी दे देगा तो वाई निकलेगा, वाई दे देगा तो डी निकलेगा, दोनों में और इक्वेशन एक ही बन रहा है। अगर दो इक्वेशन भी बनता तो भी सॉल्व हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ इक्वेशन एक ही है और दो दो वेरिएबल है तो कैसे निकलेगा, इसलिए आंसर क्या होगा, आंकड़े अधूरे हैं, डाटा इनएडिक्वेट। जहां भी देखो ना कुल समय का है तो इसी फॉर्मेट में लिख लो, का डिफरेंस 2 आवर्स मोर या 3 आवर्स मोर का है तो बस डिफरेंस वाला डायग्राम पे लिख लो, यानी आपको ऐसे ये T1 प्लस T2 है या T1 माइनस T2 है इसको ध्यान रखना, T1 प्लस T2 यहाँ 3 था और जैसे ये 3 था तो इसको फॉर्मेट में बदले dy 4 माइनस y प्लस dy 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अगला क्वेश्चन 33। अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर, 48 किलोमीटर जाता है और वापस आता है 14 घंटे में, जाता है और आता है 14 घंटे में, तो ये तो फॉर्मेट यही है कि T1 प्लस T2 14 घंटा और 48 किलोमीटर है तो ठीक है 48 लिख लेते हैं, एक स्पीड x माइनस y और दूसरा 48 बाई x प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू 14 आवर्स। बोलो क्वेश्चन यही कह रहा है, क्योंकि वी नो दैट कि एक तरफ जाएगा तो x माइनस y होगा और दूसरी तरफ x प्लस y होगा,
क्योंकि अब डाउन में x प्लस वाई और अप में x माइनस वाई और टोटल टाइम में 14 आवर्स। अब क्या करा है? वो पाता है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय के बराबर है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखो केवल क्वेश्चन यहां तक रहा था तो फिर होता कि डाटा इनएडिक्वेट है। क्यों? क्योंकि यहां तक में दो दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक ही है, तो पिछले में और इसमें यही डिफरेंस था। पिछला यहां तक था कि सर मोटर बोट टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस एम टू एन, तो यहाँ पे डी और वाई दोनों नहीं मालूम था और यहाँ पे एक्स और वाई नहीं मालूम है। तो ऐसे केस में वहां तो कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन यहां कह रहा है कि डायरेक्शन में 4 किलोमीटर जाने में जो डिस्टेंस जो टाइम लगता है, टाइम इन डाउन स्ट्रीम 4 किलोमीटर इज इक्वल टू अपस्ट्रीम 3 किलोमीटर और इसको हम लोग मान ले टी लेट माना। एंड वी नो दैट कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो एक बार हो जाएगा 4 बाय टी और एक स्पीड एस टू हो जाएगा 3 बाय टी। बोलो ये होगा या नहीं होगा? सर फिर से एक बार बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो 4 किलोमीटर जाने में कुछ तो समय लगेगा, तो मान लो वो टी है, तो वही समय 3 किलोमीटर अगेंस्ट डायरेक्शन जाने में लग रहा है। मतलब डायरेक्शन में जाते तो 4 किलोमीटर चले जाते 4 किलोमीटर और अगेंस्ट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 3 किलोमीटर। क्लियर? तो कितने समय, मान लो 2 घंटे में अगर हम 4 किलोमीटर जा रहे हैं तो अप में अपोजिट डायरेक्शन में 3 ही किलोमीटर जा पाएंगे। टी आवर्स में हम 4 किलोमीटर जा रहे हैं डायरेक्शन में, तो अपोजिट में अप में 3 ही किलोमीटर जा रहे हैं। कितने समय में? टी आवर्स। क्वेश्चन ही कह रहा है, लिखा हुआ है कि 4 किलोमीटर दिशा में जाने में जो समय लगता है अपोजिट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर जाने में वही समय लगता है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उसको टी मान लिया। अब तो इसको नहीं भी लिखे अगर ये कंफ्यूज करता, तो आप सीधा अब x माइनस वाई निकाल सकते हो क्या 3 बाई टी, क्योंकि x माइनस वाई तो अप स्ट्रीम में 3 किलोमीटर t घंटे में जाता है, 3 किलोमीटर t घंटे में जाता है, तो x माइनस वाई की जगह 3/t लिख सकते हो और x प्लस वाई आपका हो जाएगा 4/t। और जैसे ही हमारा t मिल गया वैल्यू रख दो, तब इक्वेशन क्या हो जाता 48/3/t, t ऊपर आ गया। सर नीचे का नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है नहीं। तो यह हम लोग फिर से देखें, टाइम टेकन टू ट्रेवल 4 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, ये लिखा हुआ है और इसको हम लोगों ने टी मान लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या था, 48/x-y + 48/x + y एंड दिस इज गिवन 14 आवर्स। क्वेश्चन क्या कर रहा था, 48 किलोमीटर अप में जाना जाने और वापस आने में 14 घंटे लगते हैं, तो x माइनस वाई की जगह
आप लिख सकते हो तो इस या यहाँ पे ये लिख दे तो इससे क्या आएगा हमारा x माइनस वाई आ जाएगा 3 बाई टी और x प्लस वाई आ जाएगा 4 बाई टी। तो यहाँ पे x माइनस वाई की जगह 3 बाई टी लिख दे और डिवाइडेड 48 प्लस 48 बाई x प्लस वाई की जगह 4 बाई टी लिख दे इज इक्वल टू 14 आवर्स। तो 3 से 16 12 इसको सॉल्व किया 28 t बराबर 14 तो t बराबर व्हाट 1 बाई टू आवर। बोलिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है क्या हिंट दिया? यस सर। 4 किलोमीटर डायरेक्शन में आप कुछ नहीं अब तक ये तो हम समझने के लिए इतना लिख दिया आपको सीधा x प्लस वाई की जगह लिख देना था 4/t और x माइनस वाई की जगह लिखना था 3/t लेकिन क्यों लिखते कैसे लिखते देखो यहाँ पे मैंने बताया और जब t आ गया हाफ तो बताओ ना इसमें अब t का वैल्यू रख दो तो जब यहाँ t बराबर हाफ रखेंगे तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 3/1/2 डेट इज 6 और x प्लस वाई ऐसे ही क्या हो जाएगा 4/1/2 डेट इज 8। x अगर निकालना है तो क्या होगा दोनों का सम बाई 2 डेट इज 7। y अगर पूछता तो क्या होता दोनों का डिफरेंस बाई 2 डेट इज 1। 7 और 1। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और तब डिसीजन लो। अ मैन रूस टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक मतलब जाता है और वापस आता है तो जहां भी जाना और आना हुआ तो एक जगह x माइनस वाई होगा और एक जगह x प्लस वाई होगा। ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। वो क्या पाता है कि 4 किलोमीटर डाउन में जाने में जो समय लगता है वही 3 किलोमीटर अप में जाने में। तो क्या कह रहा है रेट ऑफ द स्ट्रीम यानी वाई बताना है। तो हम लोग को यहाँ क्या पता है तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो देख रहे हैं कि टी वन प्लस टी टू 14 गिवन है 14 घंटे फिर कह रहा है 48 किलोमीटर जाने और आने में तो इससे हमारा 48 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 48 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब केवल x माइनस वाई एक्स प्लस वाई के लिए क्लू छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है कि 3 किलोमीटर जाने में जो समय लगेगा तो मान लो 3 किलोमीटर जाने में t आवर लगता है तो x माइनस वाई की जगह 3/t लिख दिया। तो 4 किलोमीटर डाउन में जाने में तो 4 डाउन है तो x प्लस वाई तो 4/t लिख दिया। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा आ गया ये वही चीज यहाँ लिखा 48 3/t 48 4/t तो t आ गया हाफ। जैसे ही टी आ गया हाफ तो इसके बाद हम लोग यहाँ वैल्यू रख दिए कि 3/1/2 तो ये 6 ये 8 x निकालना होता पूछ तो नहीं रहा तो 7 होता और y पूछता तो 1। बोलिए कोई प्रॉब्लम है ऐसा एक क्वेश्चन और है मैं सॉल्व क्वेश्चन नो सर कराने का पहले देखो क्वेश्चन सेम है क्या यस सर सब लोग अच्छे से देखो 35 किलोमीटर जाना है 35 आना भी है 35 10 घंटा 30 में 10.5 घंटा लगता है 10.5 यानी 10 1/2 और एक बार ये x माइनस वाई है और एक बार ये x प्लस वाई है तो 35/ यहां 4 आ जाता यहां t प्लस 35/ यहां पे 5 आ जाएगा और यहां t और इज इक्वल टू 21/2। बोलिए बस अब इतना ही लिखना जब उसी पर दूसरा क्वेश्चन जब मैंने दिया है तो आपको यह समझ में आ गया कि अब ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब तो समझ में आ रहा है कि 5 किलोमीटर डायरेक्शन में जाना है तो 5/t
अगेंस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर जाना था 4/t, इससे t निकल जाएगा और t का वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि x प्लस y इज इक्वल टू है 5/t और x माइनस y बराबर है 4/t, तो वहां से t का वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मोहन वर्मा बोलिए। हाँ सर हो जाएगा सर। ये मुस्कान। यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। 35 के जाना और आना है तो एक बार तो स्पीड एक्स प्लस वाई होगा, दूसरी बार एक्स माइनस वाई होगा, और टोटल 21/2 है। हम लोग को तो झंझट केवल यही है ना, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई कैसे निकाले, तो बस 5/t करो, एक जब 4/t करो, t का मान निकाल दो। तो ये था हमारा 33। चलो क्वेश्चन 34। नदी के किनारे 3 सर पी क्यू आर है, पी क्यू आर, क्यू सर पी और आर से समान दूरी पर, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, यानी ये x किलोमीटर तो ये भी x है, यानी इसका अर्थ हुआ क्यू ठीक बीच में है। क्यू कहाँ है तो ये बीच में है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। मैं P से Q जाकर वापस 10 घंटे में आता हूं, यहां से Q जाना और वापस आना मेरे को 10 घंटे लग रहे हैं, 10 आवर्स, तथा मुझे P से R तक जाने में 4 घंटे लगते हैं, तो यहां से यहां जाने में 4 आवर्स लग रहा है। क्वेश्चन सबों को क्लियर है? यस सर। क्यू बराबर दूरी पे है तो ये डिस्टेंस इतना होगा, वही डिस्टेंस ये भी होगा। अच्छा, जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा, तो जाने और आने में 10 घंटे लगते हैं और जाने में टोटल, जाने में टोटल 4 घंटे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बता तो आधा जाने में कितना समय लगता? सचिन, पूरा जाने में 4 घंटा तो आधा जाने में 2 घंटा। किसी को यहां तक में प्रॉब्लम? और जाने प्लस आने का 10 घंटा है, तो जाने में 2 घंटा तो बताओ आने में कितना? 8 घंटा। एक चीज और हम लोग क्या जानते हैं कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। खैर इसका जरूरत भी नहीं है, जब जरूरत होगा तो देखेंगे। तो x प्लस वाई हमारा हो गया 8 और x माइनस वाई हमारा हो गया 2। एक्स प्लस वाई 8, एक्स माइनस वाई 2, जैसे ही ये आ गया एक्स बराबर आ गया हमारा। सर ये एक्स प्लस वाई क्यों होगा 8, एक्स माइनस वाई होगा ना 8? यस सर। हाँ, और ये क्या है? अच्छा वो स्पीड है। अच्छा अच्छा सॉरी। एक्स वाई वाई 3 क्वेश्चन कर रहा है, तो मेरी चाल और धारा की चाल का अनुपात एक्स इज टू वाई पूछ रहा है, तो बता दो ना क्या होगा। क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करना था, ऐसे ही बन गया 5:3। पी क्यू आर 3 टाउन है। अब फिर से समझ लो, क्यू बीच में है,
ये क्यों था? ये पी है और ये आर है। क्वेश्चन कर रहा है ये डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस ये है, और मेरे को यहां से यहाँ क्यू तक जाने और वापस आने में 10 घंटे लगते हैं, और अगर मैं पी से आर तक जाता हूं तो मेरे को 4 घंटे लगते हैं, तो आधा जाने में 2 घंटे लगेंगे। तो लौट के आने में 8 घंटे, ये जाने में 2 घंटे, तो लौट के आने में 8 घंटे। और मैंने बताया कि टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, तो ऐसे भी आप ज्यादा नहीं दिमाग लगाओगे, अगर केवल डायरेक्ट सोचना है तो जो बड़ा होगा x प्लस वाई ए और जो छोटा होगा x माइनस वाई टू, वो तो माइनस वाला ही होगा। दोनों को सॉल्व किया तो x आ गया 5 और y आ गया 3। रेशियो पूछ रहा है x और y का 5:3। दीप कोई प्रॉब्लम? नहीं सर कोई प्रॉब्लम। शांत? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। पढ़िए। वाटर इन अ रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4 इफ द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द रिवर इज 8 मीटर एंड 4 मीटर, then how much water in cubic meter will enter the sea in 15 minutes? एक नदी में पानी 4 किलोमीटर पर आवर के दर से बह रहा है। यदि नदी की चौड़ाई और गहराई 8 मीटर और 4 मीटर है, तो 15 मिनट में कितना पानी समुद्र में प्रवेश करेगा? क्यूबिक मीटर में बताना है। सर 32,000। बत्तीस हजार? हाँ सर। और लोग देखिए, सचिन क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पढ़ रहे? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब लोग पढ़ के खुद अपना अपना सॉल्व करो। 32,000 बोले लेकिन मेरे को नहीं लग रहा 28,800 इसका आंसर आएगा, लेकिन कैसे अब पहले आप लोग बनाओ। सर आज की क्लास का वीडियो मिल जाएगा? सर किस क्लास का? ये जो क्लास हो रहा है सर, हमको कुछ दिख नहीं रहा है सर, बहुत नेट स्लो चल रहा है आज यहाँ पे, इसीलिए हम तब से चुप है सर। तुम्हारे ये क्वेश्चन आप? हाँ सर, चारों तरफ पानी पानी लगा हुआ है सर। अब मेरे यहाँ कोरोना आया हुआ है। कोरोना यहाँ भी आ गया सर, बिल्कुल टोटल लॉकडाउन यहाँ भी लग गया सर। मेरे सोसाइटी कहीं में, नहीं जाना है। मेरे सोसाइटी में भी अलग अलग ब्लॉक में कोरोना इन कर गया है। आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा सर, बाहर कहीं मत जाइए। खाना पीना है तो बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, बिना खाए घर में कैसे रह सकते हैं। मेरे रिलेटिव में एक लोगों को कोरोना हो गया। ठीक है, अब यहाँ तो बहुत लोगों ने मेरे को बोला पटना छोड़ दो, चले जाओ घर कहीं और चले जाओ, पटना में नहीं। आप पटना ही रहती हैं? पटना ही रहती हो? पटना में तो बहुत ज्यादा फैल रहा है। हम सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग के बिल्डिंग में आ गया है, और रात दिन यहाँ से लोग गाड़ी में पैक हो रहे हैं और पटना छोड़ रहे हैं। अभी तक सोसाइटी सील नहीं हुआ है लेकिन लोग भाग रहे हैं। जैसे अगर आपके बिल्डिंग में किसी को कोरोना है सर, तो बाकी लोगों का भी टेस्ट होगा सर, अगर सील करेगा बिल्डिंग तो बाकियों को भी परेशान नहीं, करेगा। इतने आदमी को कहां से करेगा? मेरे सोसाइटी नहीं कर रहा पहले की तरह सर। क्या कर रहा है? तरह नहीं कर रहा, घर पे भेज दे रहा है। पॉजिटिव है तब भी अब घर पे ही क्वारंटाइन हो, ये जाइए खुद से दवा लिख दे रहा है। आप घर में ही भेज दे रहा है, और अब सबका टेस्ट नहीं हो रहा, जिसको हो गया उसकी फैमिली को तो टेस्ट ही नहीं कर पा रहा है।
उनके फैमिली में सबका नहीं किया है। वही कह रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब किसी को है तो है, अब कोरोना के साथ जीना है, सबों को यही सिखला रहा है। मर जा रहे हैं तो मर जाइए, क्योंकि इतना ही इतना इसका सिस्टम ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि वो ठीक करे। कैसे करेगा पता नहीं। और पहले क्या होता था, एक निकल गया तो निकल गया तो पूरा कॉलोनी सील हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब तो हम लोग के अपार्टमेंट में 4-5 लोगों को हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, न सील हुआ, न कोई प्रशासन आया। मालूम हुआ कि दो फैमिली तो होम क्वारंटीन में है। इसलिए सर बिहार का हालत महाराष्ट्र वाला होने वाला है। हाँ, बिहार का ना। हाँ, सही बात है सर। क्योंकि सर टेस्ट वेस्ट हो नहीं रहा है, नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं, है नहीं। परवाही है सर। जब एक साल जब टेस्ट होना शुरू होगा ना, तब देखना स्थिति। भाग के कहाँ जाएंगे जी? आप लोग कह रहे कि चले जाइए अपने गांव, गांव में जाए तो क्या गारंटी है कि वहाँ नहीं बात। हाँ सर, और क्या सर, गांव में भी तो हो ही रहा है। वहाँ तो सर उतना लोग मतलब सेफ्टी भी नहीं, मतलब उतना प्रिकॉशन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी उतना नहीं है, लेकिन बाद में तो बढ़ेगा ना, धीरे धीरे तो बढ़ेगा। हाँ सर, होगा ही। हाँ, पहले बिहार में भी इतना नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे आ गया। हाँ सर। हाँ, अब तो कल केवल 661 केवल पटना में निकला, 651 जो रिकॉर्ड है। ऐसे कितने हैं पता नहीं, चेक कराए हैं। हाँ सर, पास रिकॉर्ड है वो 651 है, तो चेक ही कितने कराए। हाँ, टोटल बिहार मिला करके 10,000 बोल रहा है, लेकिन 5,000 से 6,000 का टेस्ट हो रहा है। हाँ सर। सर मेरा 32,000 आ रहा है सर। मेरा 28,800 है, तुम लोग का 32,000 आ गया। किसका 32,000 है? मोहन वर्मा? नहीं सर, मेरा। ओ और साक्षी कितना आया? अच्छा ये बताओ, वॉल्यूम पढ़े हो क्या? वॉल्यूम या नहीं भी पढ़े हो तो पता है क्या होता है? LBH होता है। हाँ सर। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस क्वेश्चन में बी और एच गिवन है। बी कितना है? 8 और एच कितना है? 4 मीटर। लेंथ नहीं मालूम है, तो लेंथ यहाँ क्वेश्चन में निकाल लेंगे। निकलता है स्पीड से लेंथ फाइंड करते हैं। और ये है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 मिनट में 4 किलोमीटर मतलब 4,000 मीटर। तो 15 मिनट में कितना? 1,000 मीटर। 1,000। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा? LBH, L हो गया 1,000 इंटू 8 इंटू 4 मीन्स 32,000 क्यूबिक मीटर। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नैंसी? नो सर। आयुषी सिंह, कोई दिक्कत? नो सर। तो यही क्वेश्चंस है इस चैप्टर में। 37 तो आप लोगों ने देख लिया कि 35 किलोमीटर की दूरी को जाने और आने में 10 घंटा 30 मिनट लगते हैं। वो पता है कि जितने समय धारा के साथ क्या हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन दिखाया नहीं सर। एक नाव धारा के प्रतिकूल चलते हुए एक निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए 5 घंटे 40 मिनट लेती है। अनुप्रवाह में वह इस दूरी को 3 घंटे में पूरा कर लेती है। नाव की गति x माइनस वाई और x प्लस वाई है। टाइम गिवन है। अब बताओ जब टाइम गिवन है कितना है x माइनस वाई का? 5 घंटे 40 मिनट। सबको सेकंड में बदल लो ना, 5 मिनट में, सॉरी 5 इंटू 60
प्लस 40 340 मिनट, और x प्लस y क्या है 3 घंटा, तो 3 × 60 यानी 180 मिनट। यानी 34 और 18 यानी 17 और 9, तो स्पीड का रेशियो क्या? अच्छा बताओ, ये तो टाइम का रेशियो है, स्पीड जो होता है टाइम का उल्टा होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो 9:17, और हम लोग यानी x प्लस वाई है 17 और x माइनस वाई है 9, तो बताओ देखकर x कितना होगा और y क्या होगा, दोनों का सम बाय टू, x 17 और 9 26 13 और y हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 8/2, दैट इज 4। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि एक नाव धारा के प्रतिकूल चलते हुए एक निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए धारा के प्रतिकूल यानी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे 40 मिनट और अनुप्रवाह में 3 घंटे पूरा करती है, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन हम लोग यहां देखे, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ज्यादा समय ले रहा है, 5 घंटे 40 मिनट, तो 5 × 60 + 40 यानी 340 मिनट, और डायरेक्शन में 3 घंटा यानी 180 मिनट, एंड ऑल्सो वी नो दैट किस स्पीड, टाइम का अपोजिट स्पीड होता है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड, तो जो टाइम का होगा पलट दो स्पीड का हो जाएगा, तो टाइम था 17:09, तो स्पीड हो गया 9:17। खैर इसमें हम लोग को फंसना भी नहीं था, x प्लस वाई जो अब याद ये रखना, x प्लस वाई ज्यादा होता है तो 17, x माइनस वाई कम, तो किसी को समझाना है तब बताओ कि अच्छा इसका अपोजिट होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही देखा कि अब इतना भी नहीं कि सर ये तो टाइम है, ये 17 है 9 है, तो हम लोग को तो स्पीड का पूछ रहा है, तो यहाँ तो उल्टा है, कुछ नहीं सोचना, जो बड़ा है एक्स प्लस वाई होगा, जो छोटा है एक्स माइनस वाई होगा, कॉन्सेप्ट की बात हो तो टाइम का उल्टा स्पीड होता है, तो जिनको जो डाउट हो रहा है कि वो तो टाइम को देख रहे हैं, आप स्पीड को देख लो, पलट जाएगा। बोलिए तो यहाँ नाव की गति, यानी ये नाव की गति, तो ये स्टिल वाटर में ही लिया जाता है, अनलेस इट इज गिवन कि डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड ऑफ बोट विल बी ऑलवेज इन स्टिल वाटर। और दूसरा है पानी की गति, तो पहले x दूसरा y, यानी आंसर 13:4। क्लियर है? यस सर। 36 भी क्लियर है? यस सर। 37 भी क्लियर है? यस सर।